ओम शांति। आपके अपने प्रोग्राम इंद्रधनुष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके हमें कई बातें पूछी हैं। मैं कोशिश करूंगी एक एक एपिसोड में एक एक बात कहूँ। किसी ने कहा कि हम अध्यात्म मार्ग में चलना तो चाहते हैं लेकिन बहुत कठिन लगता है। देखिए, जितनी बड़ी हमारी मंजिल होती है उतनी ही ऊंची उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अध्यात्म कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि गए और कुछ पैसे देके और दुकान से वो खरीद लाए। ये एक प्रकार का अतीन्द्रिय सुख, आत्मा को जो सुख मिलता है वो वाली रहा है। ये अध्यात्म वो है जिसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ भी खोना पड़े तो वो खो सके, वो मार्ग है। अगर आप सही में ईश्वर की खोज कर रहे हैं, परमात्मा को चाहते हैं, तो आपको अध्यात्म के मार्ग पर चलना होगा। लेकिन बातें आएंगी, परेशानियां आएंगी। ये नहीं कि हम भगवान को मानने लगे, भगवान को योग करने लगे, मेडिटेशन करने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसे समय में भी आपको उस परमात्मा पे निश्चय बुद्धि रहना पड़ेगा। दो नौ दंपति कहीं हिल स्टेशन पे गए, वहाँ से वो एक नाव में बैठ के यात्रा कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे। कुछ दूर नाव जाने के बाद पत्नी ने देखा कि एक झाड़ एकदम नीचे की तरफ लटका हुआ है, यानी बोट से एकदम करीब है, और उस झाड़ के ऊपर कई सांप लटके हुए हैं। वो देख के घबरा गई। उन्होंने अपने पति से कहा, सुनिए जी, ये देखिए कितने सारे सांप लटक रहे हैं, अगर ये एक हाथ गिर गया, काट लिया, तो हम तो मर जाएंगे। अब पति को तो इस बात का कुछ उत्तर नहीं पता था। उसने नाविक से पूछा, भैया ये इतने सारे सांप लटक रहे हैं, अगर कोई एक हाथ गिर गया, दो गिर गए तो काट लेंगे, और क्या कहते लोग तो मर जाएंगे। नाविक ने बड़े स्वाभाविक तौर पे कहा, वो तो गिरते ही रहते। कहा, क्या? हाँ, वो तो गिरते ही रहते। तो कहा, तब क्या, जो नाव में लोग होते हैं वो झील में कूद जाते हैं। और कहा, तब क्या, जब झील में जाते हैं कोई मगरमच्छ या कोई ऐसा पानी का जानवर दिखता है तो वापस नाव में लौट के आ जाते हैं। तो कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे, दुनिया में भी चलना है। लेकिन जहां थोड़ा सा दुनिया में दुख आया, तकलीफ आई, अपनों ने धोखा दिया, कोई बीमारी आ गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो बहुत दुखी हो गए, चलो भगवान को याद करते हैं, अध्यात्म की लाइन में चलते हैं। और जब अध्यात्म की लाइन में चलने लगे तो वहाँ पर भी कुछ परीक्षाएं आई, कुछ बातें आई, कुछ नियम आए, कुछ मर्यादाएं आई, और वो भारी लगने लगे तो वापस नाव में आ गए। इस तरह दो जगह आप पैर रख के कोई एक मंजिल पे नहीं पहुँच सकते। जो भी करना है पूरे दिल से करिए। कहावत है कि चलते दस हैं लेकिन पहुंचता एक है। छोटे मत से लेटर आया कि हमको दस बाल ब्रह्मचारी सन्यासी चाहिए। वो बड़े मठ वाले ने, जो मठाधीश थे, उन्होंने पत्र पढ़ा और उन्होंने 20 बाल ब्रह्मचारी को भेज दिया। अब 200 निकले। कुछ दूर जाने के बाद दो दिन करीब पहुंचे थे, एक राज्य में पहुंचे तो सुबह सुबह कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि हमारे कल राजा की डेथ हो गई है, और हमारे जो ज्योतिषाचार्य है उन्होंने कहा है कि जो सबसे पहले इस राज्य में प्रवेश करे उसे राजा बनाना है, आप में से कौन राजा बनना चाहेगा। एक ब्रह्मचारी को लगा कि वैसे भी तो सेवा ही करना है, राजा बन के तो और धन आ जाएगा, और सेवा कर लूंगा। वो चला गया और दूर गए तो 3 दिन आगे बढ़े होंगे कि एक राज्य में फिर पहुंचे तो वहां पे
कहा कि हमारे राज्य के ज्योतिषाचार्य ने कहा है कि जो सुबह सुबह इस नगर में प्रवेश करे उसको अपनी राजकुमारी के साथ विवाह करा दीजिए। कहा आप में से कोई तैयार है? एक ने भी सोचा चलो ये दाम्पत्य सुख भी देख लेंगे और सेवा भी हो जाएगी। वो वहाँ रुक गया और आगे चले। कुछ दिन के बाद एक ऐसी जगह पहुँचे, वहाँ के लोग आए, कहा कि हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स खोले हैं, मठ खोले हैं, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो आप में से अगर कोई रुक जाए तो वो मठ भी चला लेगा, हॉस्पिटल वगैरह स्कूल्स खोले हैं उसके भी देख रेख कर लेंगे, जनसेवा हो जाएगी। एक ने सोचा क्यों ना मैं भी यही रुक जाऊं, आखिर जीवन का लक्ष्य तो सेवा ही करना है। वो रुक गया और आगे बढ़े, एक गांव में कुछ प्रवचन भी किया, ज्ञान भी दिया। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे गाँव में सब नास्तिक हैं, आप सब तो परमात्मा का रास्ता बताते हैं, तो आप में से कोई यहाँ क्यों नहीं रुक जाता ताकि ये गांव के सारे लोग आस्तिक बन जाए। एक ने सोचा यही ईश्वर की सेवा के लिए तो जीवन दिया है, क्यों ना मैं रुक जाऊँ। और इस तरह करते 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 कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलते गए और लास्ट में उस मठ पे एक व्यक्ति पहुँचा और उस मठ से बड़े मठ को लटराया कि आपका भेजा हुआ एक बाल ब्रह्मचारी पहुंच गया। अब यहाँ के मठ के जो और बाल ब्रह्मचारी थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मठाधीश से पूछा कि गुरुजी उन्होंने 10 मांगे थे, आपने 20 भेजे और वहाँ से लेटर आ रहा है कि एक ही पहुँचा, आखिर इसका कारण क्या है? उन्होंने ध्यान लगाया और जो सारी बातें उन्होंने हुई थी वो देखी और वो बता दिया। तो जीवन में चलते कई लोग हैं लेकिन उस मार्ग पे पहुंच पाता है कोई एक जिसकी सच्ची लगन हो। तो अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुख आया तो चलो अध्यात्म को अपना लिया, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, नहीं। ये निरंतर जीवन भर चलने वाली एक विधि है, निरंतर ईश्वर के प्यार में डूबे रहना, वो परमानंद की अनुभूति करना जो दुनिया की कोई सुख सुविधाओं से, कोई साधन से, कोई संबंध से, कोई चीज से नहीं मिलती। तो जिसने भी प्रश्न किया है हम समझते हैं कि आप जरूर जान गए होंगे कि अध्यात्म में चलना कठिन नहीं है, अध्यात्म में चलने का निश्चय करना और फिर चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कैसी भी परीक्षाएं आए, उन सब को झेल के एक निश्चय कि मुझे तो उस ईश्वर तक पहुँचना है। हर मनुष्य आत्मा की अल्टीमेट जो एम है वो ईश्वर को प्राप्त करना ही है। और अगर आप में सच्ची लगन है तो आप अध्यात्म के मार्ग में जरूर चलेंगे और वो प्राप्तियाँ जो हम सब इतने लाखों भाई बहन कर रहे हैं आप भी जरूर करेंगे। परमात्मा से मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि यही एक सच्चा मार्ग है जो जीवन को सुख और शांति दे सकता है। आप इस मार्ग पर अवश्य चलें। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।